देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। समानता के अधिकारों की रक्षा की मांग की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जताई नाराजगी। आपको बताते चले, मांगे ना मानने पर आत्महत्या की दी धमकी। बरेली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2009-10 के अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ दायर याचिका जीतने के बाद कोर्ट का आदेश न मानने पर आत्महत्या की धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 856 ओबीसी महिलाओं को निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि नियुक्तियां 2011 में हुई थी और उनका समायोजन 2014 में दर्शाने पर आपत्ति जताई थी। अभ्यर्थियों ने पुलिस बोर्ड को भूमिका के खिलाफ आवाज उठाते हुए राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 11 वर्ष से कोर्ट मुकदमे लड़ रहे हैं और भर्ती की आयु भी समाप्त हो चुकी है और प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बेरोजगार हैं और जीविका का कोई साधन नहीं है। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 15 अगस्त को आत्महत्या कर लेंगे। ज्ञापन देने वालों में गजराज सिंह, राजकुमार, सुरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या पूरा मामला है? ये सर, ये हमारे 2009-10 की भर्ती के लिए हम विज्ञापन देने आए हुए थे यहाँ पर। अगर ये हमारी अगर ये मांगे के लिए नहीं करते तो हम इच्छा मृत्यु हमें मतलब अपनी तरीके से दे दी जाए कि हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी हमें क्या फिर भी निराशा हमें कंटिन्यू मिल रही है और भर्ती बोर्ड क्या आनाकानी कर रहा है इसे सीटें देने के लिए हमारे लिए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती में जो पात्र थे और उनको अभी तक नहीं मिला? 15 से 2000 के लगभग। 15 से 2000 के लगभग। अगर प्रशासन शासन प्रशासन आपकी मांगों को पूरा नहीं करता, आपकी अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, कार्रवाई ना हो इससे, इसीलिए हम ज्ञापन देने आए हैं। और हर जिले में ये ज्ञापन पहुँच रहा है, हर जिले में। तो आपको डीएम साहब ने क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा है कि हम अपनी तरफ से हम देखते हैं, हम ज्ञापन उन्होंने दिया हमने, अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बरेली के ओला में एटीएम काटने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने गश्त कर रहे एसआई पर फायरिंग कर